हेलो पीपल, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम बैक। आज बनाते हैं चाइनीज फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, जो भी कहिए। कल इसकी ग्रेवी भी दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज मैं सिर्फ फ्राइड राइस बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है, बड़ा चौड़ा वॉक होगा तो बहुत अच्छा। फिर आप उसमें मैंने यहाँ 4 एग्स लिए हैं, ये 5 लोगों के हिसाब से, एक्चुअली 4 लोग के हिसाब से है, पर इतना बन जाएगा कि पांचवा भी खा लेगा। सो हमेशा बरकत होनी चाहिए राइट खाने में। सो मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं 4 लोग के हिसाब से। सो अंडे को भी फ्राई करने की ये टिप है कि आप एकदम मीडियम हॉट ऑयल में डालिए और तेज़ आँच ही रहेगी ये पूरा थ्रू आउट जो फ्राइड राइस बनेगा। प्रेपरेशन पहले से करके रख लीजिए, जैसे अंडा निकाल दिया, जो सब्जियां चाहिए वो सब्जियां काट लीजिए। इसको मैं गार्लिक फ्राइड राइस जैसे बना रही हूँ तो थोड़ा सा गार्लिक भी रहेगा, तो प्रेपरेशन कर लीजिए और फिर एक बार जब कढ़ाई चढ़ी तो फिर चढ़ती रही, ठीक है। फिर इसके बीच में हम थोड़ा सा सेसमे ऑयल, बताना भूल गई, सेसमे ऑयल यूज़ करिए, तिल का तेल अगर हुआ तो, वरना आप नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिक टेस्ट होता है, अच्छा लगता है। और मैं एक ही बार में बहुत सारा तेल नहीं डालूंगी, मैंने एक कप ऑयल लिया हुआ है और साइड में, और इसे थोड़ा थोड़ा करके, पहले 1/4 कप मैंने डाल दिया था अंडे के लिए, फिर सब अब्जॉर्ब हो गया, फिर मेरे पास थोड़ा सा चिकन रखा था जो मैंने सोचा चलो फ्राइड राइस में डाल देती हूँ, क्योंकि चिकन मेरे पास थोड़े से ग्रेवी के लिए रखे थे, राइट। सो मैंने यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून चिकन है मेरे पास ये। सो बीच में ही, क्योंकि चौड़ा पैन है, मैंने साइड में अंडों को कर दिया, ये मैंने चिकन को बीच में ही अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया। डोंट वरी, आपका अगर चौड़ा पैन है तो आपके अंडों को कुछ नहीं होगा, वरना आप अंडे निकाल लीजिए, अंडे को एक अलग से प्लेट में निकाल के साइड में रख दीजिए। उसी तरह आप बार बार फ्राई कीजिए, निकालिए, फ्राई कीजिए, निकालिए, एंड आपका जो लास्ट जब होगा तब आप एक साथ मिला दीजिए। ये देखिए मेरे चिकन अच्छे से लाल हो गई है, इसको भी मैं साइड कर लेती हूँ, आप चाहे तो निकाल के रख लीजिए। अब ये जो तेल बचा हुआ है यहाँ पे, अब देखिए फास्ट आँच बताया था आपको, फास्ट आँच ही है, ठीक है, कुछ भी स्लो नहीं हुआ है, और ना मेरा अंडा जल रहा है ना चिकन जलेगा। यही बीच वाले हिस्से में तेल के मैंने अब एकदम बारीक कटा हुआ गार्लिक अच्छे से इसे सौते करेंगे, थोड़ा सा लालीपन हल्का सा आने देंगे, क्योंकि बर्न्ड गार्लिक का एक फ्लेवर देता है, और बाकी आपकी ऊपर है, अगर आपको चाहिए तो हल्का सा भी सौते कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा सौते जब हो गया है तो अच्छे से हम फ्लेवर अंडे और चिकन में भी लहसुन का लाना चाहते हैं, इसलिए इन सबको बस अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। स्टर फ्राई में हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत तेल नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए। सो बचा हुआ अभी जो भी है अंदर तेल, मैंने अभी इसमें जो स्प्रिंग अनियन का ऊपर का हिस्सा, जो प्याज होता है, नॉर्मल प्याज नहीं, ये स्प्रिंग अनियन वाली प्याज, आपके पास नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम फाइनली चॉप कर लिया था मैंने, अराउंड 1-2 टेबल स्पून ही है, ज़्यादा नहीं जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट इसमें जो है लहसुन, चिकन और अंडे हैं, बाकी जो भी है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अभी मैंने और 1 टेबल स्पून तेल थोड़ा ऐड कर दिया है, क्योंकि अब इसमें आगे जाएंगे जो सब्जियां मैंने रखी है उसको स्टर फ्राई करने के लिए। सो मशरूम्स थे मेरे पास, गाजर था, एंड थोड़े से जो स्प्रिंग अनियन है वो मैं लास्ट में थोड़ा सा स्टर फ्राई के बाद डालूंगी, क्योंकि वो स्टर फ्राई हो जाएगा तो मुरझा जाएगी। ओके, सो ये सब टिप्स है, आप ध्यान रखिए, अगर आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप परफेक्टली बना पाएंगे। सो ये देखिए मैंने हाई आँच पर ही रखा है और अच्छे से सौते 2-3 मिनट होने दूंगी, ये अपने आप पक जाएगा, क्योंकि हर चीज़ गर्म है, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, सॉल्ट आप भी चेक करके ही प्लीज़ डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस की वजह से किसी का सोया सॉस बहुत सॉल्टी होता है। ओके, अब ब्लैक पेपर पाउडर या वाइट पेपर पाउडर, आपको जो मन करे आप वो वाला थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है। अब मैंने देखिए चावल डालने से एकदम पहले मैंने स्प्रिंग अनियन के जो लीव्स है उसको बारीक काट के डाला हुआ है। ये मेरे पास 4 कप्स रात के बचे हुए चावल, और डायरेक्ट फ्रिज से ही निकालना है, इसे निकाल के सादा नहीं करना है। आप जब ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे उसी वक्त फ्रिज खोलिए, चावल निकालिए और इसमें ऐड कर दीजिए। उसकी वजह ये है कि ये चावल जब ठंडा है तो बाकी चीज़ों को भी ये हल्का सा ठंडा कर देगा, और स्टर फ्राई होने के लिए ये सब जलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप तुरंत डाल देंगे तो ऑलरेडी सब्जियां सब पक चुकी है, ये डालने से हमारी सब्जियों को भी थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ी ठंडक मिलेगी और ये अच्छे से स्टर फ्राई हो जाएगा। और ये गया हमारा थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क है तो कम, लाइट है तो ज़्यादा, एंड हमारा वाइट वेनेगर, मेरे हस्बैंड को वाइट वेनेगर जरा ज़्यादा पसंद है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लीज़ डालिए। ये सब एक एडिशनल चीज़ है, ये अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट खाते वक्त भी डाल सकते हो।
ठीक है। अब मेरे पास ऑयस्टर सॉस बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस में, तो प्लीज़ ट्राई करिए ऑयस्टर सॉस, ये भी ऑप्शनल है। अब देखिए जो मैं मिक्स कर रही हूँ ना, ये मैं विस्कर से कर रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे मैं विस्कर से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि विस्कर से करने से ना आपके हर एक दाने जो चावल के हैं वो छूट जाएंगे और आपके जो अंडा है, सब्जी है, वो सब एक दूसरे को मिल जाएगा। और इसमें बस एक ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तेल चिकना नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पुलाव चिकने होते हैं, वैसे फ्राइड राइस हल्का सा ग्लॉसी होगा बट चिकना, बिल्कुल ज़्यादा तेल हाथ में नहीं दिखना चाहिए, एकदम ही छोटे छोटे चावल बनने चाहिए। सो बस 5 मिनट और बन गया हमारा फ्राइड राइस। और कल मैं आपको इसकी ग्रेवी बताती हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों बस आज आपको मैं एक ही चीज़ दिखाती हूँ, जो है फ्राइड राइस। सो फ्राइड राइस विथ चिकन, जो मशरूम चिकन बोल सकते हैं, कैप्सिकम चिकन बोल सकते हैं। सो कल बताती हूँ, ठीक है। जब तक आप इसे बना के इंजॉय कीजिए और बताइए कैसे लगा। आई विल सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू रेसिपी। सो टेक केयर, बाय बाय।